संवत 1279 तंजावुर चोला साम्राज्य का अंतिम सम्राट। चोला साम्राज्य की वैभवता, उनका अपार धन कोष और शक्तिशाली सैन्य बल पांड्यों में ईर्ष्या की वजह बनी और इसीलिए उन्होंने चोलाओं पर बेरहमी से अत्याचार करके उनका सब कुछ लूट लिया। तभी चोला राजा ने एक फैसला किया। राजकुमार को सुरक्षित जगह छुपा कर रखना, हमारा संदेश वहां तुम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे कितने भी वर्ष क्यों न बीत जाए। जो आज्ञा। अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ चोला राजा ने अपने राजकुमार और पांड्यन राज की कुलदेवी की मूर्ति को एक गुप्त मार्ग से कहीं और भेज दिया। बेसहारा राजकुमार धधकते तंजावुर राज्य को अपने पीछे छोड़कर अनजान राहों पर बढ़ चला। काफी दिनों के लंबे और मुश्किल सफर के बाद चोला राजकुमार एक अनजान टापू पर पहुंचा और उसके बाद उसने वहां पहुंचने वाले कई रास्तों पर अलग अलग जानलेवा जाल बिछा दिए। उसके बाद बहुत से पांडियन राजाओं ने उस चोला राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन पांडियन के लोग जब भी उन्हें खोजने जाते थे तो हर बार चोलाओं के जाल में फंसकर मारे जाते थे। चोलाओं के वंश को खत्म करने का और उस खोई हुई देवी की मूर्ति को वापस पाने का पांडियन राजाओं का सपना अधूरा का अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने लगातार कोशिश जारी रखी। पीढ़ी दर पीढ़ी कई खोजी दलों ने इस जगह को खोजने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ ही वापस लौट पाए। और उन्होंने बाकी खोजी दलों को ये सलाह भी दी कि चोला राजकुमार को खोजना अपनी जान से खेलना है। जिन्होंने इस सलाह की परवाह नहीं की वो कभी वापस नहीं आए। इसी वजह से हर खोजी दस्ते का ये सपना था कि वो चोला राजकुमार के रहने की जगह को खोज निकाले, लेकिन एक खोजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो जगह ढूंढ निकाली। 21वीं सदी में प्रोफेसर शास्त्री अपनी टीम के साथ चोलाओं के रहने के गुप्तवास को ढूंढने में सफल हुए हैं। ये जगह है मिंगुआ टापू, वियतनाम, जहां प्रोफेसर शास्त्री अपने शोध कार्य को किसी ठोस नतीजे पर पहुंचाकर एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। लेकिन वो बेखबर थे मौत के उस जाल से जिसे चोलाओं ने गुप्त रखा था। शास्त्री इस जाल के शिकार हुए और रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। तुम नहीं बचोगे। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्र, लापता, मृत्यु की आशंका। दीदी, हमें ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है, आपके पिताजी की मौत हो गई। हाय, I'm अनीता, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तुम्हारे पापा ने वियतनाम पहुंचने के बाद फोन किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी खोज के बहुत करीब पहुंच गए हैं और इतिहास रचने के कगार पर हैं। लेकिन उन्होंने चोलाओं की गुप्त जगह का पता लगा लिया होता तो बहुत बड़ी खोज होती। तुम्हारे पिता को खोजने की हमने बहुत कोशिश की, बट इंक्वायरी पर पता चला कि वो जिस जगह पर गए थे वहाँ उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। इस समय मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर हमें इमीडिएटली तुम्हारे पिता को खोजने के लिए एक टीम भेजनी है। ऑफ कोर्स इस बार हम बहुत सावधानी बरतेंगे, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने पापा के रिसर्च पेपर्स हमें दोगी क्या? एक और बात, मिनिस्टर साहब ने एक पर्सनल रिक्वेस्ट की है तुमसे, तुम चाहो तो हमारे साथ वहां चल सकती हो। अगर तुम चाहो तो। बस अपने पापा के बारे में तुम बेहतर जानती थी, अगर तुम चली तो हमें मदद ही मिलेगी।
तुम चाहो तो सोच सकती हो, इस पर थोड़ा सोचो। हम 2 दिनों में निकलेंगे। ओके। कितने सालों से हमें इस दिन का इंतजार था। मेरा नाम अनीता पांडियन है, मैं पांडियन राजवंश से हूँ। ये लोग मेरे राजवंश के पुरखे हैं। पीढ़ियों से हमारा सिर्फ एक ही सपना रहा है, उस जगह को खोजना जहाँ चोला राजकुमार जाकर बस गया था, और वहाँ से कुल देवी को वापस लाना। उनसे बदला लेने की भावना हमें माँ के दूध में घोल कर पिला दी गई है। यूनियन मिनिस्टर वीरा पांडियन, एक्स मेजर रवि शेखरन, ऐसे ही हमारे कुल में 8 लोग और भी बचे थे जिन लोगों को शाही तरीके से पाला गया था। हम में से कुछ में दैवीय शक्ति भी थी और हमें तरह तरह की कलाएं भी सिखाई गई थी ताकि हम हमारा गौरव वापस पा सके। मैं सबको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। यह है मिस्टर रवि, डॉक्टर लावण्या आर्कियोलॉजिस्ट, डॉक्टर रामनाथन और नलिनी और शशि, ये हैं डॉक्टर शिवराम, रमेश कम्युनिकेशंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। यूनियन मिनिस्टर वीरा पांडियन इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर हम इस अज्ञात जगह को ढूंढ पाए तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। टिल नाउ नोबडी नोज चोला साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी कहाँ छुपा हुआ है। ओके तो प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। यू विल बी पेड वेल फॉर दिस एक्सपेडिशन। हमारी सेफ्टी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स भी साथ रहेगी। मिशन में 5 महीने या 5 साल भी लग सकते हैं। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसे हमेशा अपने पास रखना। मेरे पापा एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे और वो चोलाओं की खोज में निकले थे। चोला जिस जगह पर पहुंचे थे उसका नाम मिंगुहा टापू है। चोला अपने राजकुमार को समुद्री रास्ते से लेकर गए। पापा ने बताया था कि वहाँ कदम कदम पर खतरा है और उन खतरों से हमें भी गुजरना पड़ेगा। हाँ, वहाँ ऊपर। सबसे पहले अच्छा। में ऑफिस सेट करेंगे। हाँ। तुम वहीं रुकना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करूंगी। होशियार रहना, यही बात दूसरों को भी बता दो। ओके ओके मैम, हम रेडी है। आपके वो 50 हेल्पर्स आए नहीं, कब आएंगे? 2 घंटे पहले उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। ऐसे आलसी मजदूरों को जमा किया है, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। इन शराबियों ने वहां हंगामा किया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, पहले ही बता देता हूं। इसको खर्चा पानी दूं क्या? अभी नहीं, बात बहुत आवाज कर रहा है। हे, चलो जल्दी बैठो अंदर, आलसी कहीं के। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, लंबी टांग लो। ए, जल्दी कदम बढ़ाओ, जल्दी कदम बढ़ाओ, कस्टमर फोकट में चिल्ला रहा है। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, आप उनको यड़ा समझ के रखा हो तुम दोनों ने? समझो ना। चलो चलो चलो, काम ज्यादा बातें कम, जल्दी। हे रस्सी ठीक से बांध। ठीक है भाई। हे हे हे, संभाल के उठाओ काम चोरो। बता क्या अंडे इसमें, जल्दी करो जल्दी करो, देर मत करो, जहाज छूटने वाला है। क्या काम कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरी जाने मन, मेरी दाढ़ी तू तो एकदम हैंडसम लग रही है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम तोता बहना जैसी है यार। जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी उठो। ए, क्या घूर रहा है? नंगा आदमी ने देखा कभी? अबे पॉकेट के नहीं खाता हूं मैं, एडी का पसीना खोपड़ी में आता तब जाके पैसे बनते हैं। ए, चलो 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 जल्दी करो। ए, ज्यादा गाली दिया ना तो यहीं गाड़ देगा तेरे को, समझता क्या तू अपने आपको? अरे ट्रैफिक था इसके लिए लेट हुआ, नहीं तो कभी कंप्लेन नहीं आप उनका, आप उनकी भी इज्जत है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ए, जाओ। आप बोलते तो चले जाता हूँ मैडम, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। ग्लैड टू मीट यू, आई नो इंग्लिश मैडम। ओके मैडम, ओके। ए, लेडीज लोग को पहले जाने दो, किसने घूरना ठीक नहीं होगा।
ये जा जिल रहा है या पुनिल रहा है? तेरा रूम है? तू अकेली है क्या? मैं तेरे को कंपनी दूं? तेरे को देखते ही सोच लिया था शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा, अब तो आने दे। गुड फिगर नॉट डिसाइड। तेरे को देखते ही मैंने सोच लिया था शादी बनाऊंगा तो तुझसे। चल ना तेरे रूम पर चल के मजा करते हैं। हंसी तो फंसी, सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई बच्चा बच्चा नहीं होगा, उसका इंतजाम भी है मेरे पास, सेफ्टी फर्स्ट यू सी। जानू सरा नीचे देख, मजा आ जाएगा। कुछ दिनों बाद मिंगो हटापू वियतनाम। मैडम ये अपना लोकल गाइड है। क्या हिंदी आती है तुम्हें? आओ तुम आ जाओ, काफी लोगों से बात की पर कोई तैयार नहीं हुआ। बोट वहां तक नहीं जाती क्योंकि वहां पर क्या हुआ? लोगों का कहना है वहां भूत प्रेत रहते हैं। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। जब से मिला तेरे बारे से शादी करने का सोच कर देख। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। एक और बात बता। अच्छा तेरा कमरा खाली है कि नहीं? देखो जितना भी पैसा लगे मुझे परवाह नहीं, पर हमें बोट हर हाल में चाहिए। यस मैम। अच्छा बता कल क्या कर रही है? कल तू है ना तो कल तो मेरा कमरा खाली, आ जाओ ना वहाँ मजा करेंगे। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। उसको भी ले जाना। अरे चलो रुक क्यों गए? क्या हुआ? इन्हें चाहे कितने भी पैसे दो ये आगे नहीं जाएंगे। बॉयज टेक पोजीशंस। ऐसा क्या है जो इतना डर रहे हैं लोग? ए ए क्या तुम ये बोट चला सकते हो? टाइटैनिक का जहाज भी चला सकता हूँ, ये क्या है डब्बा। लेकिन ऐसे नहीं चलाऊंगा, उसके लिए तुझे प्यार से बोलना पड़ेगा, नहीं तो यही खड़ी रहे और हवा खा। कितना रिस्पेक्ट से बोला सर, बोला
लेकिन ऐसे नहीं, वैसे बोल जैसे प्रेमिका प्रेमी को बोलती है। जानू बोर्ड चलाओ ना प्लीज। नीचे रेत आ गई है, आगे नहीं जा सकते, उतर कर चलेंगे। ए बक्से ठीक से उठाओ, एक भी कम हुआ ना पगार से काट लूंगा। चोलाओं ने जो सात फंदे बिछाए थे ये उनमें से एक है। चोला अपने राजकुमार को इसी समुद्री रास्ते से लेकर गए थे। ठीक से उठा कदम, ठीक से। पैर में कुछ चिपक गया है। ये पोस्टर पे आग जलाकर खाना बनाना और टेंट अच्छी तरह से लगाना, ठीक है। कोई पांड्यन इस रास्ते को जिंदा पार ना कर पाए, इसके लिए चोलाओं के ज्ञानियों ने ऐसे खास समुद्री जीवों का प्रजनन किया जो इंसान का खून चूस कर उन्हें मार देते हैं। इनसे मुकाबला करना असंभव है और इनसे बचने का मात्र एक ही तरीका है, और वो है किसी तरह टापू तक जिंदा पहुंचना। कितने लोग मरे? हमारे 10 लोग मरे सर। होशियार रहो और सिपाहियों को हर जगह तैनात कर दो। जी सर। सबको अलर्ट कर दो, अनजानी जगह है। यस सर। सबसे कहो हमेशा आग जलाकर रखें। अब एक लाइन में चलो, हटो मत, एक लाइन में। आप बिच्छू देखकर चलो, संभल के, कहीं रुकना मत, एक लाइन में चल बे। ये क्या लगा रही हो? हाँ, कीड़ों से बचने का मरहम है। एसी में रहती हो ना, इसके लिए आप उनको तो देख के भाग जाते हैं। ये लड़की को प्रॉब्लम है, आप उनसे बात नहीं करती, बस घूरती रहती है। ऐसा लगता है खेत में किसी ने डंडे पे टोपी पहना के खड़ा कर दिया। अपने जवानों से कहो आगे चले। ओके सर। ये लोग बेकार हैं। ओके। दे आर वेरी स्लो। ओके। दोपहर तक हमें वहां पहुंचना है। यस सर। इन पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम अपने जवानों के साथ कमान संभालो, जाओ। ओके। पुलिस ले लो, आगे खतरा है। चोला राजकुमार के सफर की शुरुआत का ये दूसरा पड़ाव है। इन्हें पार करके ही आगे जाना पड़ेगा, अगर इन्हें ललकारा तो ये हमें जिंदा खा जाएंगे। एक डरावने सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है ये जगह, और यहाँ नरभक्षी आदिवासी रहते हैं। मेरे पीछे यहाँ से संभल के, कुछ भी हो जाए उनकी आंखों में मत देखना। आ जा। अपनी नजर नीचे रखना, ये लोग कुछ भी खाएं, शांत रहना। नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे आइए।
लगता है ये काफी नहीं है, इससे कुछ और चाहिए। इस्त्रा इस्त्रा बूस्त्रा। ये लड़की से पसंद आ गई है, शादी करना चाहता है। रिजाम प्रीता वाया तीमा। इस बुढ़ापे में तू मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, ऐसा वो पूछ रही है। पागो पागो। हाँ, ओए। वो बेवा। दर्शा इर्शा इर्शा। ये बोल रहा है कि प्रोफेसर अच्छा आदमी था। त्रिस्की समाप्रिलिया। वो चोला जाने का रास्ता पूछ रही है। वो त्रिस्की समाप्रिलिया। बल्जे बल्जे। ये आदिवासी पीढ़ियों से राजकुमार के वंश की हिफाजत करते आ रहे हैं, वो कभी भी वहां जाने का रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ से जल्दी चलो। ये तुम सबको चोलास का दुश्मन समझ रहा है, इसके चिल्लाने में मुझे आप सबकी मौत की गूंज सुनाई दे रही है। आपसे पहले भी जो खोजी दलाए थे उनको भी मैंने यही सलाह दी थी, आप लोग वापस चले जाइए, ये उतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये बताओ आगे और कितनी परेशानी आएंगी। मेरा मानना है परेशानी देखने के लिए कोई जीवित बचेगा ही नहीं, ये आपको जिंदा खा जाएंगे। अच्छा, मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये बंदूक देख रहे हो, 5 सेकंड के अंदर ये पूरा गांव साफ हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ आदिवासी ज्यादा खतरनाक है या फिर इस गन की बुलेट्स। ए छोरी, कहाँ ले जा रही है? उसने सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि जान देनी है। हमारे लोग डर रहे ले। बता कहाँ जाना है? ये बता तू लड़की है क्या? आदमी है तो हिम्मत दिखा। अगर तू ना मर्द है तो यहीं से वापस चला जा। ये तो हमसे भी गया गुजरा। जरा चावल निकाल मामू। एक मिनट, अपना मुंह खोल, तू क्यों खा रहा है? पहले उन्हें खाने दे। ये क्या भांजे, तू अपने मामा को खाने से रोकता है? जाया से। जाता हूं। ए, वो लाइट लेकर आ इधर जल्दी। ठीक है। ए, देख इसको क्या मांगता है। मैं रुक, तू जा, बस उस लड़की को खाना परोस। उंगली पकड़ाए तो क्या खोपड़ी पर चढ़ेगा तू? हाँ हाँ, एक है जो बोलती नहीं वो दूसरी चुप नहीं होती। खा ले। थैंक यू। एक खास बात पता चली है, इस जंगल की पहरेदारी करने वाले सैनिक एक लाल बादल की तरह हैं, जिसमें से पानी के बजाय खून बरसता है। जिस्म तो जिस्म, देखने वाले की आत्मा तक घायल कर देते हैं। ये दरिंदे उनके शरीर की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि ना तो वो दफनाने लायक रहते हैं और ना ही जलाने लायक। ये हमेशा रात के सन्नाटे में अचानक से वार करते हैं। ये इतने घातक होते हैं कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये इतनी दरिंदगी से वार करते हैं
उसके शरीर के हर अंग से खून की फुहार निकलने लगती है। ये दुश्मन के शरीर के अंग को अलग अलग कर देते हैं। Cease fire! कहा जाता है कि चोलाओं के वैद्यों ने एक महामारी के दौरान अपनी जड़ी बूटियों से इन सैनिकों की मदद की थी, इसीलिए आज तक जो भी इस जंगल से गुजरकर चोला तक पहुंचना चाहता है, ये सैनिक उनको इसी जंगल में मौत की गोद में सुला देते हैं। होल्ड फायर! होल्ड फायर! Hold fire! कबीले के सेनापति से अपने सैनिकों की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी गई। सैकड़ों सालों में पहली बार इस सेना को हार का सामना करना पड़ा। वो समझ चुका था कि उसके कबीले का अंत नजदीक है। खुद की बलि देकर वो अपने देवता के पास पहुंचना चाहता था और अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था कि उन्हें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने को आतुर थे। जिंदा नहीं बचना चाहिए।
मैं समझ रहा हूँ, गलती मेरी थी सर, मेरा अंदाजा गलत निकला। जी सर, ओके सर, अनीता को बता दूंगा। यस सर, ओके सर। हमें और 50 सैनिक चाहिए, पूर्व सैनिक, भाड़े के गुंडे, अपराधी, कोई भी चलेगा, आई डोंट केयर। और 2 डॉक्टर्स विद फुल मेडिकल सप्लाई, गन्स, चाकू, स्मॉल एंड मीडियम बॉम्ब्स, रॉकेट लॉन्चर्स, कुछ रेडियो ऑपरेटर्स जो कम्युनिकेशन कराए। तू क्या यहाँ पिकनिक में आई है? हाँ, ये सब जानते हुए भी तूने हमें नहीं बताया? यहाँ क्या तमाशा देखने आई है? ए, सुनो, हम लोग जाएंगे, बैलेंस पेमेंट कर दो हमारा। इसी डर के मारे मैंने कई बार पूछा था, कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें ये हक किसने दिया कि मासूमों को यहाँ लाके मार दो? मामा की 3 लड़कियां हैं, वो पूछेंगे कि हमारे पापा कहाँ गए, तो क्या जवाब दूंगा? मनी, राजा, सुरेश सब मर गए। हो गया, हम लोग जा रहे हैं, बाकियों की जान तो बच जाएगी। मरने वालों का पैसा दे दो, उनका तो कोई नहीं रहना, तुम्हारे भरोसे आए थे सब यहाँ। हम सब वैसे ही बहुत मुसीबत में हैं। जाओ, बाद में देख लेंगे। बाद बाद में कुछ नहीं देखना मुझे, पैसा भी दो, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ से कोई नहीं जा रहा, समझा क्या? जाओ। सर आप देखो तो, मुझको ऑर्डर कर रही है। तेरे जैसों से पैसे नहीं छोड़ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं, कभी तो इंडिया लौट के आएगी तब वसूलूंगा। ए, सामान बांध। कैसी लीचड़ औरत पल्ले पड़ गई है मेरे। बाड़ी को डब्बे में डाल के पैक कर, जल्दी जल्दी करो। मालती, पुष्पा, त्यागी, सब सही नाम बताए ना, तेरी फैमिली के ना, राइट? अब अगर तू यहां से वापस जाएगा तो वहां उनकी जान जाएगी, सोच ले। बच्चे की जान लेगा क्या है? आउट, सब बाहर जाओ। पैंट नीचे करो। हाँ, पैंट उतारो, इंजेक्शन लगाना है। वहां क्यों, हाथ पे लगा दो। ये पावरफुल इंजेक्शन है, अपना हाथ नहीं उठा पाओगे, जल्दी उतारो, मेरे पास टाइम नहीं है। यहां कैसे लगाऊंगी? और नीचे करो प्लीज। हो गया, बस इससे नीचे नहीं करूंगा। अगर गलत जगह लग गया ना तो परेशानी होगी। हम्म, दिखाओ।
कुछ और तो नहीं देख रही ना? मरे हुए लोगों पर रोने से कोई फायदा नहीं होता। शांति से सो जा, यू विल फील बेटर। कैंप यहीं पर लगा दो, सामान यहीं उतार दो। रवि, ये जगह बहुत खतरनाक है, इसके मुताबिक हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अब क्या खतरा है? मेरी रिसर्च के हिसाब से ये चौथा ट्रैप है। जंगल के इस हिस्से में हजारों जहरीले सांप हैं, जो कि रात के सन्नाटे में हमला करते हैं। तुम मुझे ये बताने आई हो कि जंगल में सांप हैं? और क्या क्या है यहाँ? शेर है, चीता है, बंदर है। मैं तो डर गया। है? कहती है जंगल में सांप का खतरा है। पता नहीं अनीता भी किस पागल लड़की को उठा लाई है, झेलना मुझे पड़ रहा है। सांप का नाम सुन के इतना डर गई, अगर कपड़े में घुस जाएगा तब क्या होगा? है ना? मेरे सैनिकों ने सेना पर हमला करके उन्हें गेट आउट। जब वो तुम्हें छेड़ रहे थे तो अब उनको बुरा लगा? जब मैं तकलीफ में था तो तुमने एक एडवाइस दी थी, उसी तरह तुम भी उदास मत हो, भूल जाओ। बैठ जाओ। तुम ये क्या पढ़ रही हो? पांडुलिपि में चोला तक पहुंचने का रास्ता लिखा है। ऐसा क्या? तो तुम 800 साल पहले खोए हुए लोगों की खोज कर रही हो, उसी के लिए इतनी मुसीबत झेल रहे हैं? और यहां पर तो जान पर बनी पड़ी है। चोलाओं की खोज करते करते मेरे पिता गायब हो गए, उन्हें ढूंढने के लिए मैं इनका साथ दे रही हूँ। चोलाओं ने मौत के कई फंदे बिछाए हैं, ट्रैप्स। समुद्री जीव, आदमखोर आदिवासी, पहरेदार सैनिक, जहरीले सांप, भूख और प्यास, निगलने वाली रेत और फिर खंडहर, ऐसे कई सारे और भी हैं। ये उन फंदों में से एक है, सर्प। इसका मतलब सांप। इन प्राचीन तालपत्रों में हमारे यहां से बचने गलने के संकेत छुपे हुए हैं। चोला राजकुमार का पीछा करते समय एक पांडियन बहादुर ने यह पांडुलिपि लिखी थी। Ah!
अरे भागो! अरे नहीं, घूंट उठ, ऐसे सोया है जैसे डेड बॉडी पड़ी हो। अगर ये मर गया तो दूसरा कुली कहां से लाएंगे? हे, अपनी औकात पर है, समझी ना? क्या देख रहा है बे? और कितना आगे? पता नहीं। तुमने सांपों की चेतावनी दी थी और हमने ही नहीं माना। I'm sorry। सांपों की जगह पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। यहां से आगे चलें क्या? आगे रास्ता तो है ना? ए, सुनो, क्या चल रहा है? खुद ही तय कर लोगी क्या? मुझसे नहीं पूछोगी? सब लोगों को आने दो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो सब हमारे साथ आए हैं, उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम यहीं पर उनका इंतजार करेंगे, उनको आने दो। हम आगे जा रहे हैं, तू चाहे तो रुक सकता है। तू मुझे बताएगी क्या? मेरे मुंह मत लग। ए, सुन, रुक ना, ये भरोसे के लायक नहीं है, धोखा देगी, एक नंबर की चालू है। हाथ छोड़, औकात में रह, समझ गया ना? ए, अपनी औकात देखिए, तेरी तो छे, गंदी नाली के कीड़े। पड़ गई कलेजे में ठंडक लड़ाई लगा करके? घूरेगी तो मुझे हा? अगर तू औरत नहीं होती ना तो फोड़ के रख देता तेरे को मैं। ओए, ज्यादा शान पट्टी दिखाने की कोशिश भी मत कर, वरना भेज उड़ा दूंगी तेरा। मुझे मारना चाहती है? मेरे को डरा रही है? चला गोली, चला चला गोली, चला 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 गोली, दूर हट। ए, बीच में मत बोल छिपकली। Shut up, you idiot, stupid! Hey, तेरी ये इंग्लिश गाली अपोन को लगने वाली है। मुझे तो मैं खाली देखा मत, चला के देखा। Shut up, Anita! You shut up, you पागल! तूने मुझे पागल कहा? पागल जैसी तो तू लग रही है। You're right! कम से कम मैं इस गमार के साथ तो इश्क नहीं लड़ा रही। You're right! रोमांस तो ठीक है, पर तू तो चांस मार रही थी। तू अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगी। मैं तो सच में डर गई। Go ahead, but you can't, क्योंकि तू उल्लू है। तो उल्लू कैसे बुला रही है? तुझे बुला रही हूँ क्योंकि तू उल्लू है। उल्लू, 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 ए, मैं तुम दोनों का झगड़ा देखने के लिए नहीं आया यहाँ पे। इस झगड़े की जड़ तू है जाहिल। जाहिल कैसे बोली तू?
गोली तो भरी थी। ओके। हमारे सारे वेपन्स खत्म हो गए, हमें और वेपन्स मंगाने होंगे। डरो नहीं, मेरा इरादा बुरा नहीं है। वो तुम ठंड से इसीलिए उतारी थी मैंने। सच में तुम कांप रही थी इसलिए मैंने ये शर्ट तुम्हें ढकने के लिए। बदबू आ रही है ना, सहन कर लो। तुम्हें तो तेज बुखार है। अपन के पास एक उपाय है, पन तू मानेगी नहीं। एक काम कर, मुझसे चिपक कर सो जा, थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगी। आप सोचने का मैं भाई हूं। नहीं भाई नहीं, दोस्ती समझ ले। एक बात मान ले, मुझे कस के पकड़ ले, ठंड चली जाएगी। यहां से लौट चले क्या? अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ।
की? बिना दाना पानी कहाँ चली जा रही है? ये भी चोलाओं का ही एक फंदा है, एक अनंत रेगिस्तान जहाँ रेत के साथ साथ चारों तरफ सिर्फ मौत फैली हुई है। मीलों तक न खाना मिलने के आसार, न पानी की एक बूंद मिलने की उम्मीद। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ भूख, प्यास और उससे होने वाली तड़प। सूरज की गर्मी शरीर को झुलसाने लगती है, इंसान की सारी शक्ति सोख लेती है, धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ आने के बाद इंसान का मरना तो तय है, कौन कितनी जल्दी दम तोड़ता है इस सवाल का जवाब समय की गर्भ में छुपा रहता है। हजारों में से कोई इंसान जिंदा बच जाए तो उसे कुदरत का करिश्मा ही कह पाएंगे। यहाँ पर भी कोई फंदा हो सकता है। सब तो साफ है, अब यहाँ क्या हो सकता है? आगे चलो। छोड़ दे, जा दे, भरने में इस मुसीबत को, तू भी साथ जाएगी। ए तू जा नीचे, नीचे जाके भर, जा गोली चला, भाजा के चल, चला चला। अरे छोड़ दे, कह रहा हूँ छोड़ दे। तू मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। से रेत के गड्ढों का फंदा चोलाओं ने कैसे बनाया होगा? बड़े ही शातिर दिमाग है। पत्थरों की ऊंची मीनारें टूटती और बदलती हैं शिलाखंडों में, हवाओं से घिसकर शिलाएं गुम हो जाती हैं उस बालू में। भटकते हैं हम और ढूंढते हैं रास्ता उस अंधेरे में जो छिपा है सूर्य किरण और नटराज की उस छाया में। सूरज डूबेगा, उसकी रोशनी मीनारों की छाया बनाएगी और उसकी छाया नटराज की छाया बनाएगी। सायों का रास्ता, वो रास्ता हमें बचाएगा। रेडी रेडी, खड़े हो जाओ। Just go!
इंतजार करना होगा। तो यहीं पर रहे? हाँ, एक कदम हिले तो बालू में कब्र बन जाएगी। हिलना मत। Check the lights. Be careful and be slow. संभल के उतरो। पत्थर देख के आराम से। चाल की रोशनी में चलो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। आराम से हम गिर सकते हैं। आराम से। ए, आगे मत आओ, मत आओ। ए, रुको, आगे मत आना। ए, रुको, रुक जाओ, रुको। अब इसे क्रॉस कैसे करें? सोना मत, जरा सी गलती और जान से जाओगे। क्या तू पैदाइशी ऐसी है या फिर बड़े होने के बाद ऐसी हो गई है? हाँ? खुली खुली सी ऐसे कपड़े पहनने को तेरे को कोई मना नहीं करता क्या? मेरा कोई है ही नहीं। सब मर गए। मम्मी मुझे पैदा करते ही चल बसी, पापा ने मुझे पाला लेकिन हमारी कभी बनी नहीं। किसी बात को लेकर टेंशन था क्या? मुझे एक लड़के से प्यार था, वो उससे चिढ़ते थे, चिल्लाते थे, इसीलिए मैंने वो घर ही छोड़ दिया। तो अभी तू अपने लवर के साथ रहती है? छह, वो भी धोखेबाज निकला, घटिया इंसान। मुझसे कहता था अपना काम छोड़ दो, शादी के बाद घर संभालो, इसलिए मैंने उस लंगूर को छोड़ दिया। क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये तुम्हारी पापा का बैग है ना?
उनका कैमरा अभी भी काम कर रहा है। क्या ये सामान वो हमारे लिए छोड़ गए? उन्होंने यहाँ कैंप लगाया होगा। ये देखो, इतना सारा सामान यहाँ छोड़ दिया, एक चिप्स का पैकेट भी छोड़ जाते। कुमार के छुपने की जगह हम पहुंच गए। मेरे पापा शायद इस जगह तक पहुंचे थे। सुना है बाप? ओह माय गॉड, क्या ये खोया हुआ चोला राजकुमार है? हो सकता है, चेहरा तो पेंटिंग से मिलता जुलता है। यकीन नहीं हो रहा। वो क्या है? कहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं जूम करके देखती हूं। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो ऊंट है। मैं तो पूरा खा जाऊंगी। देखो लालच मत करना, चलो चलो कम ऑन, वो ऊंट कहीं भाग ना जाए। मारने के लिए कोई हथियार खोजो, ऊंट भागने ना पाए। धीरे धीरे धीरे, चलो दावत उड़ाते हैं। घेरो घेरो उसे, आगे से घेरो, आगे से। गर्दन पर वार कर रहा होगा। आखिरकार चोला के रहने की जगह हमें मिल ही गई, थैंक्स टू लावण्य। और अब हम इसके अंदर जाएंगे। स्टार न्यूज के लिए अनजान जगह से रिपोर्टर सुकुमार। क्या हुआ? हवा कैसे थम गई? हाँ? लगता है कुछ होने वाला है। हे चंडिका देवी, हमारी रक्षा करो। एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देने वाला ये खंडहर कोई साधारण खंडहर नहीं है। और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चोलाओं ने एक गुप्त जाल बिछा कर रखा है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं।
मुझे कुछ हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? बर्दाश्त की सीमा गुजरने के बाद इंसान पागल होने लगता है। वो अपनी मौत की कामना करने लगता है। पागलपन इस कदर बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह मारने लगते हैं। ये आपकी कल्पना से भी परे है। पागलपन की हालत में राजा, अनीता और लावण्या आगे बढ़ते हुए एक गुफा के द्वार तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलता है मशाल लिए हुए एक इंसान। हे चंडिका देवी, अंततः तुमने दूसरे दुश्मनों की तरह इन्हें भी हम तक पहुंचा दिया। वहीं रुक जाओ। ये साधारण दिखने वाला मनुष्य हकीकत में एक धार्मिक गुरु है। ए लड़की, आ गया। जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। मशाल की आग और कुछ जादुई मंत्र से वो इन तीनों को पागलपन से निकालता है। देखने से लगता था लड़की, अब दुआ। मानो मशाल की पवित्र आग से उनका शुद्धिकरण किया जा रहा हो। वो उन्हें बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर ले जाता है। युवक, अब तू इधर आ। गुफा की गहराइयों में एक ऐसा अनोखा संसार है जिसका आधुनिक दुनिया से कोई वास्ता नहीं। ये क्या? चोलाओं का निशान? इसका इलाज करके इसे बचाना होगा। ऐसा लगता है मानो समय सालों पहले ही रुक गया हो। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी कल्पना शायद कोई सपने में भी न कर पाए। चोलाओं के तांत्रिक ने राजा का उपचार किया और उसे एक नया जीवन दान दिया। कभी अपनी अपार संपदा के लिए विख्यात चोला साम्राज्य अब एक भयंकर संकट से जूझ रहा था, जिसकी वजह थे पांडियन, जिन्होंने चोला साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चोला के राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए कई मौत के फंदे बिछाकर इसी गुप्त स्थान पर भेज दिया था। चोला राजा पधार रहे हैं। ये है चोलाओं की महारानी, ये है राजकुमारी और राजकुमार। आज इन लोगों के लिए खाने का दाना भी मिलना अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कुछ चोलाओं का मानना था कि पांडियन की मूर्ति चुराने की वजह से उन्हें श्राप लगा था। चोला के राजा को आज तक उस ईश्वरीय दूत की प्रतीक्षा है जो इन सब के लिए खुशहाली का संदेश लाएगा। एक ऐसा संदेश जिससे चोलाओं का खोया हुआ गौरव, उनका खोया हुआ स्वर्णिम युग फिर से लौट आएगा।
इन नागरिकों को उम्मीद है कि चोला राजा इन्हें अपने साथ अपने राज्य लेकर जाएगा। इन चोला नागरिकों की जिंदगी पर बदकिस्मती से किसी की नजर लग गई। ये लोग धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। साल दर साल गर्मी बढ़ती गई। पहले फसल बर्बाद हुई, फिर एक एक करके मवेशी बेरहम मौसम की मार से मरने लगे। निरंतर अकाल की वजह से और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रख पाने की वजह से ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। न खाने को रोटी थी, न पीने के लिए पानी और ना ही तन को ढकने के लिए कपड़ा। रहते हो और तुम्हें कोई नहीं बताता कि हम बाहर क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं। तुमने तो कहा था कि दूध के आते ही यहाँ खुशहाली आएगी। अगर किसी दिन यहाँ बगावत हो गई, तो उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा चोला राजवंश होगा। रवि अपने आदमियों के साथ टापू के उस वीरान खंडहर तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। उधर चोलाओं का धार्मिक गुरु ईश्वर की आराधना करता है। हे चंडिका देवी, रक्षा करो। अपनी दैविक शक्ति से चोलाओं के तांत्रिक को किसी दुश्मन के पास आने की भनक लगती है और वो गुफा के बाहर के खंडहरों को तबाह कर देता है। इसकी पीठ पर मैंने शेर का गोदना देखा है। मुझे शक है कहीं ये खुशहाली लाने वाला दूध तो नहीं। चोला के राजा और उसके मंत्री इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि राजा जिसकी पीठ पर चीते की आकृति बनी है, क्या यही वो ईश्वरीय दूत है जो उनके लिए खोया हुआ गौरवमय अतीत लौटाएगा, या फिर उनके महाराज को मारने के लिए आया हुआ कोई दुश्मन। इसे वो औषधि सुंघा जिससे ये सब सच बोल दे। क्या तू चोला राज्य से वापस लौटने का संदेश लाया है? तेरी पीठ पे ये क्या गुदा हुआ है? जिसने गोदा उसी से पूछ लो ना। इस समय मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 10 दिन से कुछ नहीं खाया, चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। पहले मुझे अच्छा खाना खिलाओ, मुझे पनीर बिरयानी खानी है। उस औरत का तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, माँ ने मना किया था, किसी औरत को कभी गाली मत देना। लेकिन अनीता के लिए तो मैं अपनी माँ का कहना कभी भी नहीं मानूंगा।
लेकिन लावण्या, हाय 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 हाय, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। लेकिन इतनी तकलीफ में भी ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है मैं पागल हो गया हूँ, तभी ये सोच रहा हूँ। लावण्या मुझसे शादी करेगी क्या? शादी में मैं क्या करूँगा? क्यों मार रही है? खटिया औरत, मैं देख लूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू इसी दूध की बात कर रहा था? ये पागल हमें अपनी मातृभूमि ले जाएगा, ये पानी बरसाएगा। तू भी इसी की तरह पागल है। खत्म कर दे इसे। ये कोई साधारण आदमी नहीं, दैवीय शक्तियों का मालिक है। चोलाओं का तांत्रिक अपनी जादुई कौड़ियों से अनीता की असली पहचान और वहां आने का मकसद जानने की कोशिश करता है। ऐ देवी, तू हमें बता, क्या है ये बना? लेकिन कोई सीधा उत्तर न मिल पाने की वजह से वो और झल्ला जाता है। वो उसकी बलि चढ़ाने का फैसला करता है, लेकिन बलि सिर्फ स्वस्थ इंसानों की दी जा सकती थी, इसलिए दोनों को स्वस्थ करना जरूरी था। वो अपनी पौराणिक चिकित्सा पद्धति से दोनों का उपचार करने लगा। एक बार ये तसल्ली हो जाने के बाद कि अनीता, लावण्या और राजा ईश्वरीय संदेश वाहक नहीं है, उन तीनों को देवी के मंदिर बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सब अनीता ने किया है। बलि चढ़ाने से पहले यहाँ की चोला औरतें देवी को खुश करने के लिए उनके सम्मुख पारंपरिक नृत्य करती हैं। चढ़ाने से पहले पुजारी देवी के आगे कुछ मंत्र पढ़ता है। उसकी उंगली से एक नीले रंग की जादुई रोशनी निकलती है, जिससे इन तीनों को जिंदा जलाने का संकेत मिलता है।
सरिता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जख्मी होने की सूरत में देवी उनकी बलि स्वीकार नहीं करेगी। वो चुपके से नाखून से अपनी उंगली को खुरचती है। खून निकलने की वजह से देवी उनकी बलि को रुकवा देती है। तभी अनिता खुद को कैद से आजाद करती है। उसके पास कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां होती हैं जिनसे वो चोला के पुजारी को ही घायल कर देती है। सब लोग अनिता के इस खौफनाक रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अचानक अनिता की पीठ पर एक चीते की आकृति उभर आती है, जिससे सबको भ्रम होता है कि यही वो ईश्वरीय दूत है जिसकी प्रतीक्षा वो सालों से कर रहे हैं। सब लोग अनिता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसी समय चोलाओं की कुलदेवी स्वयं अग्नि के रूप में वहां प्रकट हो जाती है, जिससे लोगों का यकीन पुख्ता हो जाता है कि अनिता उनकी देवी की एक अवतार है। लोग उसके पैरों में गिरकर उसकी पूजा करने लगते हैं, जबकि ये अनिता का बिछाया हुआ एक माया जाल है। मैं चोलाओं की राजधानी से आ रही हूं और नंबी यात्रियार मेरा नाम है। मैं भगवान शिव के उपासक, तंजई के पालक, मीरू पर्वत के रक्षक, चोला राजा श्री राजेंद्र सेना की वंशज हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाई हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी कि मैं तुम्हारी संगनी बनूं। चोला के नागरिक अनिता को रानी का दर्जा देते हैं। वो सबसे पहले अपने साथियों लावण्य और राजा को कैद खाने में डालने का हुक्म देती है। लावण्य और राजा असहाय महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, अनिता की सच्चाई क्या है, उसका असली मकसद क्या है। अनिता के अलावा ये कोई नहीं जानता था। संदेश क्या है, बोलेगे कि नहीं? अकेले होने पर बताऊंगी महाराज। तुम मेरी वो इच्छा पूरी करोगे कि मैं तुम्हारी रानी बनूं? ये विष्कन्या भरोसे के लायक नहीं है। अब बता। लताओं की तरह पेड़ों से लिपट कर एक रंग होने का जो एहसास होता है, उस एहसास को महसूस तो कर। तेरी आंखों में फरेब है, तेरी जुबान झूठ का जहर उगलती है, तेरी अदाओं में प्यार नहीं बदला है, थुप। तेरी धड़कने नफरत की आग से भरी है, तू औरत नहीं, उसके नाम पर एक कलंक है। मैं तेरी इस चालबाजी को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मेरे साथ जो तू कर रही वो प्यार नहीं, प्यार का नाटक है, एक दिखावा है, इंसान की शक्ल में एक मौत है तू। चोला महाराज चाह कर भी अनिता की सच्चाई पर यकीन नहीं कर पाता। वो उसे यातना देकर सच बोलने पर मजबूर करना चाहता है। आ, 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 आ,
अनीता के पास उसे मारने का कोई गुप्त हथियार है या फिर अनीता के विषकन्या होने की संभावना के कारण महाराज सीधे उस पर वार करने के बजाय उसकी छाया पर वार करता है ताकि वो खुद सुरक्षित रह सके। बता दो क्या जानती है, संदेश बताओ, चाल बताओ। बोल क्या जानती है। आज से 3 दिन बाद हम लोग चोला देश की ओर कूच करेंगे। चोला देश में होगा तुम्हारा स्वागत और राज्याभिषेक। चोला देश की महान प्रजा तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। यही संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। ये सच नहीं है। सच उगल। मैं सच बोल रही हूँ। 2 हफ्ते बाद आप राजा होंगे। मैं भी कैसा अभागा इंसान हूँ। मेरी मातृभूमि होते हुए भी मैं कभी वहां नहीं जा पाया। एक राजा का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जो अपने देश की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है। क्या अभी भी वहां धान के सुनहरे खेत लहलाते होंगे? क्या अब भी वहां की प्रजा मेरी हर इच्छा को एक हुक्म की तरह मानेगी? क्या आज भी वहां के युद्धों में धनुष की टंकार सुनाई देगी? क्या अब भी पत्थर तराश कर मूर्तियां बनती होंगी? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम वही दूत हो जिसका इंतजार था? कहा गया था कि जब वो दूत आएगा तो हम अभागों के लिए वो पानी बरसाएगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पुरखों की बनाई ये तस्वीरें झूठ बोलती हैं। थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर सब सच होगा। चोला देश अब बलशाली बन चुका है। विश्वास करो, बुरे दिन बीत गए। हमने लौटने के रास्ते में पानी के कुएं और सराय बनवाई हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। प्रजाजनों, अब मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए कि 2 दिन बाद हम चोला देश के लिए निकल पड़ेंगे अपनी मातृभूमि पहुंचने का जश्न कैदियों की मौत के साथ होगा। इन सब कैदियों को एक मैदान में ले जाया जा रहा है जहां इन्हें दानवकाय इंसानों से लड़ाई करनी होगी। एक ओर जहां उन राक्षस नुमा इंसानों के हाथ में
जानलेवा हथियार होंगे, वहीं दूसरी ओर ये कैदी निहत्थे उनसे लड़ेंगे। आज तक जो भी खिलाड़ी इस खेल में उतरा है कभी जिंदा नहीं लौटा है। चोलाओं के लिए सालों से ये खूनी खेल ही एकमात्र मनोरंजन का साधन रहा है। रक्षा करना, वही हमारे प्यार और जीवन को बचाएगा। मुश्किल मत बनो, जाओ।
जाते हो कि नहीं, वरना और मारूंगा। कायर, कायर, कायर। राजा मौत की कगार पर खड़ा था, तभी एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब छवि उभरने लगी। इंसानों के बजाय कंकाल नजर आने लगे। राजा को लगा मानो उसका अतीत का कोई खोया हुआ पन्ना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या राजा की जिंदगी का कोई अनदेखा पहलू भी था? क्या चोला साम्राज्य से उसका कोई रिश्ता था जिसे वो खुद नहीं जानता था? अचानक उसमें एक अजीब शक्ति का संचार हुआ और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की। करने वाली देवी, बताइए आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? तुम्हें अपनी रानी के लिए उसका संदेश किसी को पहुंचाना होगा, अभी इसी वक्त। दुश्मन की हर कमजोरी जान चुकी हूँ, हमले में और देरी नहीं करनी चाहिए। The time for war has arrived. सामान साथ में ले ले, ध्यान रहे
देखती हूँ कैसे देता है तू आशीर्वाद अपने चोला राजा को। मैं अपनी घृणा का खून जहर में मिलाकर पानी में डाल देती हूँ जिससे ये चोला वंशी समाप्त हो जाएगा। एक बुरी खबर है, किसी दुश्मन सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आज हजारों साल बाद पांडियनों का बदला पूरा होगा। तुम पर भरोसा करके मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारी तरह ये भी पांडियन वंश के हैं, ये भी कुल देवी के लिए मर मिटेंगे। आज चोलाओं के वंश का आखिरी दिन होगा। चोला राजा समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। अपने सपने को टूटता हुआ देख वो सदमे में आ गया। अपनी प्रजा को दिया हुआ वादा ना निभा पाने के कारण वो खुद को मार देना चाहता था। इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने वाला था। तकरीबन हजार साल पहले पांडियन ने चोलाओं के साथ जुल्म और अन्याय की जो खूनी कहानी लिखी थी वो फिर से लिखी जाने वाली थी। उसे अपनी आंखों के सामने चोलाओं का अंत दिखाई देने लगा। चोला राजा ने इस भयानक वहशी खूनी मंजर को देखने की हिम्मत नहीं रह गई थी। चोला राज्य के नागरिक अपने राजा को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वो उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। अनीता का मित्र राजा अचानक रोने लगता है। उसकी आत्मा ग्लानि से भर जाती है। वो जानता है कि होने वाली तबाही के लिए सबसे बड़ा कसूरवार वो खुद ही है। अनीता को यहाँ लाने में मदद करने वाला वही था। चोलाओं के साथ जो खून की होली खेली जाने वाली थी उसका जिम्मेदार स्वयं राजा था। चोला वंश के लोग उसे मार देना चाहते थे। वो अपने गुनहगार को एक भयानक सजा देना चाहते थे। असहाय चोला राजा के पास ये सब कुछ देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुमार राजा को एक खंजर देता है ताकि चोला दस्तूर के मुताबिक वो खुद को मार सके। लेकिन राजा ने कुछ और करने का ही फैसला ले लिया था। चोला राजा ने जब ये सब देखा तो उसे चोलाओं की कुछ पुरानी चित्रकारियां याद आती हैं, जिनमें आने वाले समय की भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं। उसे राजा में कोई और दिखने लगा था, शायद देवों का भेजा हुआ वो दूत। हजारों साल बाद चोला राजकुमार को भी दैविक शक्तियों की अनुभूति होती है। हजारों साल बाद वहां बारिश होने लगती है जो इस बात की पुष्टि करती है कि चोलाओं के लिए खुशहाली का संदेश लाने वाला दूत वहां पहुंच चुका है। चोला राज्य के नागरिक खुशी से झूम उठते हैं। उनके लिए ये बारिश बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। वो समझ चुके थे
कि अनिता का मित्र ही खुशहाली का संदेशवाहक है। चोलाओं का दूध, यही है हमारा अगला राजा। बूढ़ा पुजारी अपनी सारी शक्तियां राजा में प्रवाहित कर अपने प्राण त्याग देता है। किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अपने सिपाहियों से कहो तैयार रहने को। भले ही ये दो अलग अलग युगों के बीच का युद्ध था, 16वीं सदी और आधुनिक दुनिया के हथियारों और तकनीक में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन एक अस्त्र ऐसा भी था जो उस जमाने से लेकर आज तक नहीं बदला। वो अस्त्र था छल और कपट। टेक पोजीशन। अनिता ने गुफा से निकलने के पहले पानी के अंदर जहर मिला दिया था, जिससे चोलाओं के बहुत से सैनिक तड़प तड़प कर मर गए। न वो सिर्फ संख्या में कम रह गए, उनका हौसला भी बहुत हद तक टूट गया। जाहिर है चोलाओं की हार और करीब आती जा रही थी।
सुनो, हमें ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने होंगे। इस सेना का नाम क्या है? तुमने हमें इसके बारे में तो नहीं बताया था? सोचा था डर जाऊंगा। युद्ध का नतीजा क्या निकलने वाला था उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। अपने आधुनिक हथियारों के साथ 21वीं सदी के पांडियन ने 16वीं सदी में रहने वाले चोलाओं की फौज को एक बार फिर से पराजित कर दिया। पांडियन अपने जिस कुलदेवी की मूर्ति को वापस हासिल करना चाहते थे, आखिरकार वो उन्हें मिल गई। जिन चोलाओं को वो सैकड़ों साल पहले अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, वो उन्होंने अब कर दिखाया। लगता था कि चोलाओं की किस्मत में सिर्फ गरीबी, भुखमरी और गुलामी लिखी थी। आदमी हो, औरत हो या बच्चा, किसी को नहीं बख्शा गया। इन सब को युद्ध के कैदी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया गया। उस युद्ध के बाद चोलाओं के साथ कितना क्रूर अत्याचार हुआ होगा, वो सोचकर ही रूह कांपने लगती है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ईश्वर ने इंसान बनाया तो उसे सिर्फ प्रेम की बोली बोलने के बजाय निष्ठुर, अहंकारी और दूसरों पर हुकूमत करने की प्रवृत्ति क्यों दी? जब तक इंसानी फितरत से ये बुराइयां नहीं मिटेंगी, कोई न कोई पांडियन किसी चोला का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण करता रहेगा। Hee hee!